गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज अ चैप्टर नंबर 25 पाई चार्ट ऑफ 8th स्टैंडर्ड। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी लर्न टू रीड पाई चार्ट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट गिवन डाटा इन अ पाई चार्ट। ओके, सो वी रीड अबाउट पाई चार्ट। है हम यहाँ पे जो पाई चार्ट होगा वो मेनली क्या होगा, जो हमारे पास डाटा होगा उसको हमें सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करूँ सेम एज इट इज आप सोल्व करते जाओगे इसी तरह से क्वेश्चन को। फर्स्ट है, वी हैव अ डाटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पजेट ऑफ अ फैमिली एज ए सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ मीन्स अ पाई चार्ट। ओके, हमने जो एक फैमिली का बजट है उसको किस में रिप्रेजेंट करना, सर्कल ग्राफ में। सर्कल ग्राफ बोलो या आप एक पाई चार्ट बनाने के लिए बोलो। ओके, सो गिवन डाटा, रेंट 20%, जो भी हमारा बजट है फैमिली का वहां 20% किस में यूज होता है, रेंट में। 40% फूड, 15% क्लोथिंग, 12% एजुकेशन के ऊपर, 8% सेविंग के ऊपर, और जो 5% है वो मिसलेनियस है, एक्स्ट्रा खर्चा जाता है वहां से। तो हमने यहाँ से क्या बनाना है, क्या पाई चार्ट बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और वहां से सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट है हम टेबल बनाएंगे, टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ लिख लो, हमने यहाँ पे यूज कर दिया, आइटम लिख दो यहाँ पे, मान लो आइटम, जैसे फर्स्ट इज रेंट, सेकेंड इज फूड, थर्ड इज क्लोथिंग और फोर्थ इज एजुकेशन, फिफ्थ इज सेविंग एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस। ओके, हमने ये टेबल बनाई है। उसके बाद बच्चे इसमें जहां भी हम पाई चार्ट यूज करेंगे वहां पे हमने प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टर मीन्स हमने जो डी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज फॉर रेंट 40%, फॉर फूड सॉरी फॉर रेंट 20%, फॉर फूड 40%, फॉर क्लोथिंग 15% और एजुकेशन पे है हमारा 12%, सेविंग 8% एंड मिसलेनियस 5%। ओके, नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट में हम कन्वर्जन करेंगे, ओके और कन्वर्जन में देखो आप क्या करोगे, पहले हम इनकी कॉलम बनाएंगे, ऐसे टेबल रिप्रेजेंट करनी हमने। कन्वर्जन में हमने फाइंड आउट करना है कन्वर्जन के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए भी बना दो आप एक कॉलम, नेक्स्ट वाला सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ओके, क्योंकि हमने जब ग्राफ यहाँ हम सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। कन्वर्जन में क्या, कन्वर्जन में हम लेंगे जो 20% रेंट है वो कितने में से है, 100% में से। मतलब अगर 100% कोई भी हमारे पास चीज है उसमें से 20% किसके लिए, रेंट के लिए। तो जो 20% है वो कितने में से है, 100 में से। हमने फाइंड आउट करना है सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल कितने में से फाइंड आउट कर सकते हैं, 360 में से। क्योंकि अगर हम एक सर्कल रिप्रेजेंट करें, सेंटर के ऊपर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। ओके, वहां से हम फाइंड आउट करेंगे भाई कि सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनेगा। 100 में से तो हमने कितने में से फाइंड आउट करना है, 360 में से फाइंड आउट करना है हमारा जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। 20 कैंसल आउट, 36 टू देन 72, हमारा जो सेंट्रल एंगल है जो रेंट के लिए वो होगा 72 डिग्री। नेक्स्ट फॉर फूड 40% आउट ऑफ 100 एंड वी फाइंड फ्रॉम 360, 20 कैंसल 72 एंड 72 टू जो 144 डिग्री एंगल हमारा सेंट्रल एंगल फॉर फूड। नेक्स्ट फॉर क्लोथिंग 15 आउट ऑफ 100 एंड वी फाइंड फ्रॉम 360, then 10 cancel, we solve this by calculation and this equal to 54 degree. Okay, then central angle for clothing 54 degree. Next education 12 out of 100 and we find from 360, then 10 cancel, we find this by calculation 36 multiply 12 and
this angle equal to 43.2 degree. Next, for saving 8 out of 100 and we find from 360, then 10 cancel, we find this by multiplication, 36 multiply 8 and divided by 10, then this equal to 28.8 degree. Next, for miscellaneous 5 by 100 out of we find out of 360, then 51, 52, then 21 and 18 degree angle for miscellaneous. हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया, तो सबसे स्टार्टिंग में आपका काम है बच्चे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना. उसके बाद अब हम बनाएंगे पाई चार्ट. पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल. कितनी रेडियस, इसके लिए आपको जरूरत होगी यहाँ पे किस किस की. पाई चार्ट, फॉर मेकिंग पाई चार्ट यू नीड फर्स्ट इज प्रोटेक्टर एंड कंपास, पेंसिल एंड स्केल. ओके, सो फर्स्ट यू मेक अ सर्कल एनी ऑफ रेडियस. कितनी ही रेडियस लो आप है और क्या ड्रा कर दो, एक है सर्कल ड्रा. आपकी मर्जी है, आप रेडियस आप यहाँ कितनी ही रख सकते हो. हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक है सर्कल ड्रा किया एनी ऑफ रेडियस. ओके, सबसे पहले आप इसकी, यहाँ पे हमारा सेंटर है वन आर, एक आप इसकी रेडियस ड्रा कर दो, एक रेडियस कहीं भी. मान लो हमने ये रेडियस ली, इसकी कहीं भी आप रेडियस ले लो एक इसकी. अब एंगल बनाना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एंगल फॉर रेंट एंगल इज 72 डिग्री. ओके, 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे. सभी को एंगल बनाना आता है प्रोटेक्टर की हेल्प से. देखो बच्चे, जो आपकी लाइन है प्रोटेक्टर के ऊपर, जो आपकी लाइन है वो लाइन के ऊपर होगी और जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर होगा. तो हम इसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे. ये बना अपना, यहां से हमने रखा प्रोटेक्टर, हम लेंगे 72 डिग्री का एंगल. बच्चे अब देखो, यहां से जो एंगल है ये 90 डिग्री है. अब जो 72 का है वो 90 से लेस रहेगा अगर हम इस साइड माप रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम नीचे वाले एंगल्स हैं वो यूज करेंगे, ऊपर वाले तो ग्रेटर हैं हमारे. 72 डिग्री का एंगल हमारा 70 और 80 के बीच में होगा. आप हल्का सा यहाँ पे कोई भी डॉट लगा सकते, ठीक है. अब हम सेंटर को और इसको ज्वाइन करेंगे कहां तक, रेडियस तक. ये क्लियर, ये बना अपना 72 डिग्री एंगल. नेक्स्ट फॉर फूड एंगल इज 144. अब हम जहां भी हमने फर्स्ट एंगल ड्रा किया है उसके बाद हम यहां पे रखते हैं नेक्स्ट रेडियस पे. जो हमने नेक्स्ट रेडियस लिया, अब यहां पे प्रोटेक्ट रखा जाएगा. यहां से हमने प्रोटेक्ट रखा और ऐसे. ओके, वी फाइंड एंगल 144. हमें पता है एंगल 90 का यहाँ पे बनेगा और 144 इज ग्रेटर देन 90. सो 144 हमारा कहाँ होगा, 90 से इधर लेफ्ट साइड में होगा. 144 एंगल इज बिटवीन 150 एंड 140. लेट दिस इज 144. भी हम एक हल्का सा डॉट देंगे यहाँ पे, हमने लिया 144. अभी इस डॉट को और सेंटर को ज्वाइन करेंगे. सेंटर एंड दिस सेंटर, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया. ये बना अपना एंगल 144 डिग्री का एंगल. ओके, नेक्स्ट है, दिस इज ओनली फूड. नेक्स्ट फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग के लिए हमारे पास एंगल है 54. अब हमने जो रेडियस ली है वहां पे एंगल बनाएंगे हम 54 का. आपने ऐसे घुमाते जाना बच्चे कॉपीज को. अभी हमारी देखो न्यू, पहले ये रेडियस थे उसके बाद ये लिया था हमने 72 एंगल्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट 144 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम ये न्यू रेडियस लेंगे. यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे 54. सेम पॉइंट को पॉइंट से लाइन के ऊपर आप लाइन रखोगे 54. दिस एंगल इज 90, देन 54 राइट साइड ऑफ 90, देन 54 लाइन बिटवीन 50 एंड 60. दिस एंगल इज 54. अब आप इसको और इसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे कहां तक, रेडियस तक. ये ज्वाइन किया, ठीक है. ये एंगल, दिस एंगल इज 54 डिग्री. नेक्स्ट एंगल आफ्टर 54, नेक्स्ट एंगल फॉर एजुकेशन दैट इज 43.2 डिग्री. वी फाइंड एंगल 43 point something मीन्स 2. अब हमारी देखो न्यू रेडियस कौन सी है, अब ये रेडियस है. अब इसके ऊपर बनाएंगे हम एंगल 43.2. यहां पे आपने रखा लाइंस के ऊपर लाइंस 43
43, 40 के से हम 40 से थोड़ा सा आगे 40 और 50 के बीच में हमारा 43 पॉइंट समथिंग होगा आपका। ये हुआ हमारा एंगल, यहाँ पे एक डॉट दोगे आप। अब इसको और इसको क्या करोगे आप, ज्वाइन करोगे। यहाँ से हमने इसको क्या किया है, ज्वाइन। ओके, एंगल है हमारा 43.2 डिग्री। नेक्स्ट एंगल फॉर सेविंग 28.8 डिग्री। अब हमारी जो आई थी, देखो सबसे स्टार्टिंग की हमने रेडियस ली थी, उसके बाद हमने 72 एंगल के अकॉर्डिंग ये बन गई, नेक्स्ट हमारी ये बन गई, फिर हमने ये लिया, अब 43.2 का एंगल बनाया इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम नेक्स्ट इस पे रखेंगे और 28.8 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे रखा हमने 28.8 लाइंग बिटवीन 20 एंड 3, ये एंगल यहाँ से बनाया हमने, हमने इसको ज्वाइन किया। दिस एंगल इज 28.8 डिग्री। और जो आपका यहाँ से एंगल बचा हुआ है वो हमारे मिसलेनियस मीन्स 18 डिग्री के लिए, तो हमारा जो एंगल जितना भी बचा वो कैसा मिलेगा, 18 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, दिस इज पाई चार्ट फॉर गिवन डाटा। सो नाउ वी राइट फॉर 72 डिग्री एंगल फॉर रेंट, वी राइट इन दिस सेक्टर, दिस इज द सेक्टर एंड वी राइट इन दिस सेक्टर रेंट। नेक्स्ट फॉर फूड, दिस फॉर फूड। नेक्स्ट फॉर क्लोथिंग एंड नेक्स्ट फॉर एजुकेशन एंड नेक्स्ट फॉर सेविंग एंड दिस इज फॉर मिसलेनियस। ओके, दिस इज पाई चार्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मिस्टर मोहन्स इनकम, मंथली इनकम इज 720 रुपीज, इफ अ पाई चार्ट ड्रा टू शो हाउ ही स्पेंड हिज इनकम अंडर वेरियस हेड्स, मीन्स सम डाटा इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल रेंट, फूड, क्लॉथिंग एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेक्टर 75 डिग्री इन द पाई चार्ट। यहाँ पे हमने कोई पाई चार्ट यूज नहीं करना, हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, रेंट के ऊपर जो हमने जो रेंट के ऊपर खर्च किया है उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट हमारा कितना बना है उसके लिए हमने वो फाइंड आउट करना है। और यहाँ से हमें गिवन है जो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेक्टर, जो हमारा पाई चार्ट के ऊपर रेंट का एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 75 डिग्री का। और मंथली इनकम उनकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 720। तो यहाँ से जो 75 डिग्री का एंगल निकला वो कितने में से निकला, 360 में से। देन 75 डिग्री एंगल्स हमारा कहाँ से आया है, हमारा आया है 360 डिग्री के एंगल से, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल बनेगा, सर्कल के लिए मान लो कोई भी सेक्टर बनता है रेंट के लिए, और रेंट के लिए ये एंगल 75 का बना, तो ये पूरे कितने में से निकल के आया, 75 360 में से। हमने कितने में से इनकम में से बताना, 720 में से कितना यूज करेगा। ओके, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देन फ्रॉम 360 डिग्री एंगल द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, और 1 डिग्री में से क्या मिलेगा, 75 डिग्री बाय 360 डिग्री। ओके, हमने कहाँ से फाइंड आउट करनी है, हमने उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, भाई कितना पैसा रेंट के ऊपर लगाया है, देन टोटल मनी स्पेंट ऑन रेंट। वही कन्वर्जन करेंगे हम, 75 हमारा कितने में से निकलता है, 360 में से। अब हमने 720 में से फाइंड आउट करना है कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास इसको कैंसिल किया, 71 2, देन 75 2 150, 150 रुपीस ही स्पेंट, 150 रुपीस फॉर रेंट, रेंट के लिए कितना रुपए खर्च करता है वो, 150 रुपीस खर्च करता है। ठीक है, हम ये कन्वर्जन फाइंड आउट करेंगे, वहां सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया था, यहाँ सेंट्रल एंगल गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है वहां से उनके लिए रेंट के लिए हमारा टोटल पैसा कितना स्पेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड,
The following table shows the market position of different brand of soap. Draw a pie chart to represent the given information. Information से हमने pie chart use करना, brand की दी गई है और percentage में हमारे buyers given है. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे रखेंगे, पहले हम table बनाएंगे brand, brand A, B, C and others. Others, okay. Next is for percentage. A brand के लिए 60%, for B 20, for C 15 and for others 5. और total out of 100% कहाँ से निकलेगा? 100 में से. Conversion. हमने find out करना है central angle. उसके बाद हम pie chart बनाएंगे. पहले conversion करेंगे. 60% कहाँ से आया है? 100% में से. हमने एंगल कितने में से निकालना? 360 में से. देन ओके एंड सेंट्रल एंगल इक्वल टू 36 × 6 एंड दिस इक्वल टू 216 डिग्री. नेक्स्ट 20 आउट ऑफ 100 एंड वी फाइंड फ्रॉम 360 एंड दैट इज 72 डिग्री. नेक्स्ट 15 × 100 × 360 देन 36 × 15 एंड डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट इज 54 डिग्री. नेक्स्ट 5 × 100 आउट ऑफ वी फाइंड आउट ऑफ 360 5 × 1 = 5 × 2 देन 18 एंड दिस इक्वल टू 18 डिग्री. दिस आर सेंट्रल एंगल. हमारे सेंट्रल एंगल ब्रांड ए के लिए 216, ब्रांड बी 72 डिग्री, ब्रांड सी 54, ब्रांड एंड अदर्स के लिए हमारे पास 18 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल है. फर्स्ट वी मेक अ सर्कल एनी ऑफ रेडियस. आप कितनी रेडियस लो वहां से कोई भी सर्कल ड्रा करोगे. एक आप है, सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया है? एक सर्कल जिसकी रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते. ओके, हमने ड्रा किया यहाँ पे एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी भी हो सकती है. नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या लेंगे? कोई भी रेडियस, आपकी मर्जी, आप रेडियस कहीं भी ले सकते हो. मान लो आपने यहां से रेडियस ले ली. ओके, फर्स्ट वी मेक एंगल 260. अब हम पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर आप लाइन रखोगे. 216 डिग्री एंगल. दिस एंगल इज 90, देन दिस लेस देन 90 एंड दिस आर ग्रेटर देन 90. अब यहां से हमारा एंगल हमारे पास तो कैसे है? 180 तक के एंगल है. सो 216 फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? 180. उसके बाद 216 में से 180 माइनस करेंगे कि हमारे पास क्या बचेगा. जितने भी डिग्री का एंगल्स बचेगा हमारे पास होगा 36 डिग्री का, वो बाद में फाइंड आउट करेंगे. अगर आप ऐसा नहीं करते, पहले 180 का निकाल के फिर हम 36 का निकालेंगे, वो कंप्लीट 216 का होगा. अगर आप पहले ऐसा नहीं करते तो आप पहले इन छोटे एंगल को भी बना सकते हो, फिर जो बच जाएगा वो आपके पास 216 का बच जाएगा. ओके, तो पहले हम स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं 18 से. आप स्टार्ट 72 डिग्री से भी कर सकते हो. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 18 डिग्री से. यहां से हमने 18 डिग्री का एंगल बनाया. 18 डिग्री बिटवीन 10 एंड 20. मान लो हमने ये एंगल बनाया, ये 18 डिग्री. अब यहां से इसको ज्वाइन करेंगे हम. ये एंगल हमारा 18 डिग्री. ओके, नेक्स्ट फॉर 54 डिग्री एंगल. अब हम ये रेडियस यूज करेंगे 54 के लिए. 54 लाइन बिटवीन 50 एंड 60 दैट इज 54. दिस एंगल इज 54 डिग्री. ओके, नेक्स्ट फॉर 72 डिग्री. अब हम यहां पे रेडियस पे यूज करेंगे 72 डिग्री का एंगल. 72, दिस इज 90, लेस देन 90, 72. दिस इज एंगल 72. ओके, दिस इज 90 एंड 72 लेस देन 90, देन देयर इज 72 डिग्री एंगल. यहां पे बना अपना 72 डिग्री एंगल. ओके, नेक्स्ट
जो हमारे पास अब जितना भी बच गया वो किसके लिए, 216 के लिए। हमारा कंप्लीट एंगल कैसा है, 216। अब देखो हम कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा 216 ब्रांड ए के लिए है, ब्रांड ए, ब्रांड बी 72, यहाँ ब्रांड बी डाला, यहाँ ब्रांड सी डाला, और ये किसके लिए है, अदर्स के लिए। तो अगर आपके पास ग्रेटर एंगल आप उसको बाद में भी छोड़ सकते हो, ओके। पहले आप लेस देन 90 कर सकते हो एक्यूट एंगल, उसके बाद वो अगर बनाना चाहो तो 180 प्लस 36 करके आप 216 का बना सकते हो। ये हमारे पास क्या है, पाई चार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ची इन दिस क्वेश्चन पाई चार्ट ऑलरेडी गिवन, इस क्वेश्चन में पाई चार्ट तो दे रखा है आपको। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी, हमारे पास कोई सोसाइटी है वहां पे जो लैंड है, जो एरिया है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस शो इन द पाई चार्ट, पाई चार्ट में शो किया गया है दैट द टोटल लैंड एरिया इन द फॉर्मिंग सोसाइटी, कंप्लीट एरिया हमारे पास ये है, ये हमारे पास कंप्लीट एरिया है 1,62,000 स्क्वायर मीटर। रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म, अब हमने इस डाटा को किस फॉर्म में अरेंज करना है, टेबुलर। टेबुलर मीन्स जैसे हमने पहले टेबल दे रखी थी ऐसे शो करना है, हमारे पास कौन से ब्रांड ए के लिए जैसे 60% था ऐसे। अब यहाँ पे एक ग्रीनरी है, एक पार्ट हमारे पास अपार्टमेंट्स है, एक हमारे पास है 3 parts हैं, एक हमारे पास कम्युनिटी कॉम्बो एंड स्विमिंग पूल वगैरह के लिए 3 parts हैं। जो ग्रीनरी के लिए एरिया रखा गया वो 90%, अपार्टमेंट्स के लिए जो एरिया रखा गया है वो 234 degree, और जो स्विमिंग पूल वगैरह अदर कॉम्बो के लिए जो है वो 36 degree का है, ओके। तो बच्चे ग्रीनरी के लिए जो एंगल है वो कितना है, 90 degree, और 90 degree एंगल कितने में से लिया गया है, 360 में से लिया गया। हमने बताना इतने एरिया में से कितना एरिया ग्रीनरी के लिए आएगा, ओके। तो हम कन्वर्जन करेंगे, सबसे पहले हम ग्रीनरी के लिए रखेंगे, पहले यहाँ कन्वर्जन कर दो बेसिक, या आप लिख सकते हो जो आइटम है उनके लिए पहले परसेंटेज रख सकते हो, उसके बाद आप वो निकाल सकते हो। पहले हमने रखा ग्रीनरी, उसके बाद हमने रखा कम्युनिटी कॉम्बो या स्विमिंग पूल वगैरह के लिए, और स्विमिंग जो पूल वगैरह है उनके लिए। नेक्स्ट पार्ट रखा हमने अपार्टमेंट्स के लिए, ओके। यहां पे सेंट्रल एंगल लिखोगे, सेंट्रल एंगल आपके पास गिवन है, यहां पे कन्वर्जन लिखोगे, ओके। सेंट्रल एंगल ग्रीनरी के लिए 90%, दिस इज 36% एंड दिस इज 234%, और कंप्लीट अगर इनका सम करोगे तो आपके पास मिलेगा 360 degree, 360 degree का, ओके। कन्वर्जन में करो, हमने तो बताना है इतने एरिया में से कितना एरिया हमारे पास ग्रीनरी के लिए आएगा, कितना एरिया स्विमिंग पूल वगैरह के लिए आएगा, और कितना एरिया हमारे पास अपार्टमेंट्स के लिए आएगा। 90% है, कितने में से आया हमारा, 360 में से, तो हमने इतने में से देखना कितना आया, 1,62,000, ओके। यू सॉल्व दिस कैलकुलेशन, 9,194,41,44 जा अगेन 4,520,00, जो हमारे पास 40,500 स्क्वेयर मीटर का एरिया वो किसके लिए आया, हमारे पास ग्रीनरी के लिए। तो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ पे ग्रीनरी रखी, ग्रीनरी, और यहाँ पे हमारे पास ग्रीनरी के लिए जो एरिया आया है वो आया है हमारे पास 40,500 स्क्वेयर मीटर एरिया हमारे पास ग्रीनरी के लिए, ओके। नेक्स्ट हमने किसके लिए फाइंड आउट करना है, कम्युनिटी और स्विमिंग पूल, पूल वगैरह के लिए। अब देखो उसके लिए सेंट्रल एंगल 36 है, कितने में से, 360 में से। हमने एरिया कितने में से फाइंड आउट करना है, इतने में से हमने एरिया फाइंड आउट करना, 36,100 कैंसल, देन दिस इक्वल टू 16,200 स्क्वायर मीटर एरिया किसके लिए रखा गया है, कम्युनिटी कॉम्बो स्विमिंग पूल वगैरह के लिए। नेक्स्ट 4 अपार्टमेंट्स,
उनके लिए हम चेक करते हैं। अब एंगल 234 कितने में से, 360 में से हमने फाइंड आउट करना है 16200 and 0, इतने में से 0 कैंसिल आउट। नाउ वी सॉल्व दिस बाय कैलकुलेशन। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई विद 16200 and this equal to and divided by 36 and that is equal to 105300. okay, यहाँ पे 1 बना 1 lakh है, 5300 square meter area for apartment. हमारे पास 40,000 इतना हमारे पास greenery के लिए, 16 समथिंग हमारे पास स्विमिंग पूल के लिए, और इतना एरिया हमारे पास अपार्टमेंट्स के लिए। और अगर हमारा पूरा एरिया लेंगे उस सोसाइटी का तो हमारे पास मिलेगा 1,62,000 स्क्वेयर मीटर। ओके बच्चे, अगर आपके पास आपको गिवन है आपके पास पाई चार्ट और आपने हमें टेबल बनाने, तो हम इस टाइप से टेबल बनाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ स्कूल। स्कूल में जो डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक करते हैं बच्चे, उनके लिए हमें टेबल दी गई है, उसके लिए पाई चार्ट निकालना हमने। तो यहाँ पहले हमने सब्जेक्ट रखे, हमारे पास है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए 45, मैथ 60, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 30, इकोनॉमिक्स 10 एंड कॉमर्स 50। ओके, हमने पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना, हमने मतलब एंगल्स बनाना, सेंट्रल एंगल्स। अब टोटल स्टूडेंट देखो, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे। 5 5 10, 1 कर ली, देन 1 2 3, 3 and 3 6, 2 6 2 8, 8 and 10, 6 and 4 10, देन 18। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 180, टोटल स्टूडेंट 180। अब हमने यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, कन्वर्जन करके आप सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट है सेंट्रल एंगल भी निकाल सकती हूँ, कन्वर्जन इसी में कर देते हैं हम। 45 स्टूडेंट हैं, कितने में से आउट ऑफ 180 हमने एंगल फाइंड आउट करना, 360 में से 1 2 45 2 90 डिग्री सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। 60 by 180 मल्टीप्लाई 360, देन 1 2 60 to 120 डिग्री सेंट्रल एंगल फॉर मैथ स्टूडेंट। नेक्स्ट इज 20 by 180 मल्टीप्लाई 360 1 2, देन 40 डिग्री एंगल फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स। 30 by 180 मल्टीप्लाई 360, देन 60 डिग्री एंगल फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट। एंड 10 by 180 मल्टीप्लाई 360, देन 20 डिग्री एंगल्स फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। एंड 15 by 180 मल्टीप्लाई 360, देन 30 डिग्री सेंट्रल एंगल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। नाउ वी मेक अ पाई चार्ट, फर्स्ट वी ड्रा ए सर्कल एनी ऑफ रेडियस, हम कितनी रेडियस लेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। हमने एक सर्कल ड्रा किया है, अब बच्चे आपकी मर्जी है, आप रेडियस कहीं भी ले सकते हो, आपने एक रेडियस, हमने कोई भी एक रेडियस ली, ठीक है। फर्स्ट एंगल फॉर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब अगर मैं एंगल इस साइड फाइंड आउट कर रही हूँ, 90 डिग्री एंगल तो हमारा ये होगा, और इधर के एंगल लेस देन 90 होंगे, और ये एंगल ग्रेटर देन 90, इसलिए ग्रेटर देन 90 ऊपर के उठाओगे, लेस देन 90 नीचे वाले उठाओगे। बट 90 डिग्री एंगल, ये एंगल बना हमारे पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल किसके लिए, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वी यूज दिस रेडियस फॉर मैथ स्टूडेंट एंड एंगल इज 120, वी यूज इन दिस 120,
दिस एंगल इज 90 एंड ग्रेटर देन 90 फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज 120। अब बच्चे आपने बाहर वाले एंगल यूज करने हैं क्योंकि आप एंगल यहां बना रहे हो। अब ये 90 है तो 120 का 90 से ग्रेटर होगा तो हमारे यहाँ पे बनेंगे राइट साइड में ये 120 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे छोटा सा डॉट डालोगे और आपने इस पॉइंट को यहां से, लेकिन हमने कहां तक मैं इसको ज्वाइन करना है, सिर्फ रेडियस तक ज्वाइन करना है। ये एंगल बना अपने पास 120 और मैथ्स के लिए, मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट फोर आफ्टर मैथ फॉर फिजिक्स 40 डिग्री एंगल, 40 डिग्री। अब हम इस रेडियस को यूज करेंगे 40 डिग्री एंगल्स के लिए। अब अच्छी हमने यूज किया है इस एंगल को 40 डिग्री, ये 90 है, 40 डिग्री लेस होगा 90 से तो हमारे कौन से यूज होंगे, ऊपर वाले। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है प्रोटेक्ट, इसमें प्रोटेक्टर में आपको दोनों साइड्स एंगल मिलते हैं ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90। तो आपने यहाँ इस पॉइंट के साथ, लेकिन आपने ज्वाइन करना है सिर्फ कहाँ तक, रेडियस के साथ। ये 40 डिग्री एंगल्स है किसके लिए, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट फॉर केमिस्ट्री 60 डिग्री एंगल। अब हम इसको यूज करेंगे, इस रेडियस को यूज करेंगे 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल हमारे पास ये है, यहां तक ये बना 60 डिग्री और केमिस्ट्री स्टूडेंट। ओके, आफ्टर केमिस्ट्री नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स 20 डिग्री एंगल। सेंट्रल एंगल इज 20 डिग्री, नाउ वी यूज है दिस 20 डिग्री। 20 डिग्री हमारे पास ये है तो हम यहां से ज्वाइन करेंगे, लेकिन रेडियस तक ही रखेंगे। ये बना हमारे पास 20 डिग्री एंगल, और जो बचा हुआ है वो एंगल कैसा बनेगा हमारे पास है 30 डिग्री। अब 20 है हमारे पास इकोनॉमिक्स के लिए और 20 है हमारे पास कॉमर्स के लिए। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा पाई चार्ट। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। So with the help of this video, complete your exercise.